पंतनगर ध्वस्तीकरण को लेकर जो पंतनगर वासी हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने गए थे और तमाम जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री से मिल के आए हैं, उनसे जानेंगे। सर क्या नाम है आपका, आप सीएम से मिलने गए थे, क्या हुआ? सबसे पहले मंडलायुक्त कार्यालय गए थे, मंडलायुक्त कार्य थे लखनऊ विकास प्राधिकरण में, हम लोगों को मुख्यमंत्री से मिलवाने का काम किया। मुख्यमंत्री ने वहाँ जिलाधिकारी और मंडलायुक्त इसी से लोगों से बात की और हमारे ज्ञापन के बारे में पूछा, जानकारी पहले ले ली। उन्होंने आश्वस्त किया है कि किसी भी रूप में किसी का एक भी इंच मकान नहीं तोड़ा जाएगा, जो जैसी स्थिति है वही बनाए रखी जाएगी। और अगर किसी कारण से अगर कुछ भी इंच ज़मीन अगर किसी का लिया गया तो हम उसे उसका उचित प्रतिफल मुआवजा देंगे। जिन लोगों की रजिस्ट्री है, जिन लोगों के पास भी रजिस्ट्री है, उन्हें बिना भी डरना नहीं चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पहले पता लगाइए किन लोगों ने अफवाह फैलाई, सिंचाई विभाग ने कैसे उसको लाल निशान लगाए और लाल निशान पहले लगाने से पहले क्या निवासियों से बात की, ये भयावह स्थिति कैसे पैदा की, ये प्रचार क्यों किया गया, क्यों उन्हें डराने का काम किया गया, और इस चीज़ों को उन्होंने बहुत प्रमुख। आपके साथ में कितने लोग गए थे सीएम से मिलने के लिए? 14 लोग गए थे। कितनी देर की आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई? लगभग पौन घंटे 40 मिनट से ज़्यादा बात। अब क्या लगता है आगे जो कार्रवाई चल रही थी उसको यहीं पर रोका जाएगा? रोक दिया, स्पष्ट कर दिया गया, उसकी नोटिफिकेशन अभी जारी हो जाएगा, प्रेस विज्ञप्ति बिल्कुल रोक दिया। देखिए हाथ में मिठाई लेकर लोग खुशी मना रहे हैं क्योंकि साफ तौर पर ये सीएम से मिलने गए थे और इनका ये कहना है कि जो सीएम ने इनकी बात को सुना। और कितने मकान थे जानेंगे, पंतनगर में कितने मकान थे जिनको चिन्हित किए गए थे? लगभग 800 मकान, 850। अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों की जो मांग थी वो लगभग पूरी होगी? हम लोग की मांग पूरी होगी और हम लोग ये चाहते हैं कि जो है जो हम लोग का आश्वासन दिया गया है वो सही है और हम लोग उसे भरोसा करते हैं। योगी जी ने हमारा बहुत सम्मान किया और हम लोग को बहुत भरोसा दिलाया कि आपका मकान नहीं टूटेगा, जितना है उतना मकान। हमारी कठिनाइयों को समझा और पीड़ा को समझते हुए इसके निराकरण के लिए अधिकारियों को आदेश दिया, हम बहुत ही संतुष्ट। क्या कुछ पेपर भी आपसे मांगा गया है कि आप लोग लेके दिखाएं? नहीं, पेपर तो ऑलरेडी हम लोगों ने दिया था, विभाग ने खुद निकाल लिया, सारा पेपर हम लोग दे चुके हैं वहाँ पे। कितने लोगों का डेलीगेशन आप लोगों का मिलने के लिए गया था? बीसी क्या तो मिलने गए थे 25 लोग, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने जो कार्यालय मिला था वहाँ 14 लोग गए थे मिलने। आप खुद सीएम से मिले बाद में? तो साफ तौर पर ये वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री से मिल के आए हैं और इनका ये कहना है कि इनकी मांगों को मान लिया गया और सीएम ने आश्वासन दिया है कि जिसने भी ये भ्रामक खबर फैलाई है कि ध्वस्तीकरण किया जाएगा उनकी लिस्ट तैयार होगी और उन पर कार्रवाई किया जाएगा। लखनऊ से भारत समाचार के लिए मजहर हुसैन।